एक सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको पिछली डेट, एक डेट दी है उसकी पिछली डेट क्या होगी वो निकालनी है। एक डेट है जो डीडी यानी डेट, एमएम यानी मंथ और वाई 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 यानी कि ईयर फॉर्मेट में है, तो हमको पिछली डेट निकालनी है। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखेंगे इसका। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए, इनपुट है 30/6/2017, तो इसकी पिछली डेट क्या होगी, 29, 29 के बाद 30 आता है ना, ऐसे। तो यदि जो दिन है मंथ का, जिस भी मंथ की बात हो रही है, अगर वो ग्रेटर देन वन हो, एक से बड़ा हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है वन से। यदि यदि दिन वन है, वन से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वन है तो कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि फेब्रुअरी आता है, इसमें लीप ईयर आता है, ऐसे कई महीने 31 दिन के होते हैं, कई महीने जो है 30 दिन के होते हैं। तो हम चेक करेंगे मंथ्स को, विच हैव 31 डेज इन लास्ट मंथ, ऐसे महीने जिसके पिछले महीने 31 दिन के होते हैं, तो हम 31 दिन डे को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे मंथ को एक से। आप समझ रहे, अगर एक है तो इसके पीछे 31 आएगी, अगर 31 वाला महीना है फिर आपको महीना कम करना पड़ेगा, जैसे ये 6 था तो 5 करना पड़ेगा। अगर मंथ तीसरा है यानी कि मार्च है, तो क्योंकि मार्च के पहले फरवरी आता है, तो हम ये करेंगे कि फरवरी के लिए लीप ईयर कंडीशन चेक करेंगे, और लीप ईयर चेक करने के बाद 28 या 29 ये नंबर असाइन करेंगे दिन को, और मंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक से। यदि मंथ जनवरी है तो हम 31 असाइन करेंगे किसको, डे को, और जो क्योंकि साल चेंज हो रहा है ना, 1 जनवरी में साल चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो दिसंबर है उसको मंथ देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक से, यानी मंथ तो 12 से हो जाएगा और फिर डेट एक कम करेंगे। यदि मंथ 2 है, फरवरी है, तो हम दिन को असाइन करेंगे 31 और मंथ को एक कम कर देंगे एक से। और जिसमें 30 है, जिसमें 30 दिन है, तो जैसे 31 के लिए किया वैसे 30 के लिए करेंगे, मंथ को एक कम कर देंगे। अब ये सब जो चीजें हैं मैं आपको लॉजिक वाइज बताता हूं ये कैसे बनेगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसमें यहां आईओ स्ट्रीम, ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, यहां पर अगर सी में करना है तो यहां पर आप stdio.h देंगे इस जगह पे, और इस जगह पे ये यूजिंग नेम स्पेस std हटा देंगे, और बाकी जहां जहां सी आउट है वहां प्रिंट एफ देंगे। केवल आपको यही करना है, ये प्रोग्राम सी का बन जाएगा, बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी सब कॉन्टेंट भी सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट मंथ और ईयर ये ले लेंगे यूजर से, या यूजर से ले लीजिए सी इन करा के या स्कैनअप करा के, या आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं जैसे यहां इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद आप यूजर को बता देंगे, देखिए साहब जो आपने डेट डाली है वो ऐसी है, इसको प्रिंट करा रहे हैं, केवल डेट यहां दिखा देंगे, मंथ यहां दिखा देंगे, वाई वाई यहां दिखा देंगे, एक स्लैश लगा दिया ताकि जैसे डेट लिखी जाती है वैसे यूजर को दिखाई दे दे। उसके बाद एक फंक्शन हमने बनाया है गेट प्रीवियस डेट, अब इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें इस डेट मंथ और ईयर को हमने पास किया है, यहां पर ampersand देके, यानी कि इसका एड्रेस पास किया है। जब एड्रेस पास किया इसका मतलब जो भी तब्दीली होगी फंक्शन में वो इसमें रिफ्लेक्ट होगी, कॉल बाय वैल्यू नहीं है ये, आप समझ सकते हैं कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस है। फिर इसके बाद जब ये चेंज हो जाएगा तो फिर से डेट मंथ ईयर प्रिंट कराएंगे, वो आपकी प्रीवियस डेट होगी। तो ये गेट प्रीवियस डेट ये बेसिक फंक्शन है इसका। तो यहां पर डे मंथ और ईयर हमने इस फंक्शन में लिया। उसके बाद सबसे पहले डे चेक कराया, अगर डे क्या है, अगर डे वन है तब आप क्या करेंगे, क्योंकि डे वन है, वन से बड़ा है, तब तो आपको मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा आप डे को वन से माइनस कर दीजिए। अगर 3 होगा तो 2 हो जाएगी डेट, अगर 26 होगी तो 25 हो जाएगी, लेकिन यदि डे वन है तो इसके पीछे जो मंथ आ रहा है, इसके पीछे जो महीना आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप चेक करेंगे मंथ विच हैव 30 डेज, जिसमें 30 दिन होते हैं वो मंथ, जैसे मंथ चौथा, छठवां, नौवां और ग्यारहवां, 4, 6, 9 और 11, यानी कि जैसे नवंबर है तो ये सारे जो होते हैं वो आपके, अगर इसमें जो दिन है वो 30 है तो इसके पिछला जो डे है, मतलब जो डे को चेंज करेंगे वो 31 दे देंगे और मंथ को एक से माइनस कर देंगे। अब आते हैं मार्च में, क्योंकि इसके पीछे जो महीना है वो है फरवरी। तो यदि महीना 3 है तो आप इसमें चेक करेंगे लीप ईयर के लिए,
लीप ईयर के लिए क्या करते हैं कि जो ईयर है इसको मॉड्यूलो करिए फोर से, अगर ये जीरो आता है मतलब इसका रिमाइंडर फोर से डिवाइड करने के बाद ईयर जीरो आता है तो डे आपको देना पड़ेगा 29, अदरवाइज डे रखेंगे 28। ये लीप ईयर हो गया, नॉन लीप ईयर हुआ, फिर मंथ को एक से माइनस कर देंगे। अगर जनवरी पे आप आ रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी ने पहला दिन मतलब पहला दिन जनवरी का दे दिया, और फॉर फरवरी टू रिफाइन जनवरी लास्ट डे, ये भी एक कंडीशन हम चेक करेंगे। पहले आप देखिए, अगर यहां पर मंथ आपका पहला है तो आप क्या करेंगे, डे को कर देंगे 31। मतलब अगर मंथ इज वन फॉर जनवरी टू डिफाइन डिसंबर लास्ट डे, तो डे को करेंगे 31, महीने को कर देंगे 12, क्योंकि एक साल पीछे आप जा रहे हैं तो 12वां महीना हो जाएगा, और क्योंकि एक साल पीछे जा रहे हैं और दिसंबर में चले गए तो ईयर को भी आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। डे 31, 12, 1, ये 1 जनवरी के लिए हो गया। फॉर फरवरी टू डिफाइन जनवरी लास्ट डे, अगर महीना दूसरा है फरवरी है तो जनवरी को क्या करेंगे, डे 31 दे देंगे, मंथ को एक कम कर देंगे, और बाकी जितने भी मंथ्स हैं उनके लिए डे आप 30 दे देंगे और मंथ को एक से माइनस कर देंगे। और बाकी देखिए, ये तब है जब डे वन है, उसमें ये सारी कंडीशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर डे वन नहीं है, वन से ऊपर है, तो आपको सिंपली डे को माइनस करना है, बाकी मंथ और ईयर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और फिर फाइनली यहां पर प्रिंट करा दीजिए। तो यहां पर अगर आपने 30/6/2017 किया है तो 30 में से एक माइनस कर दीजिए, 29 आएगा 6/2017। अगर आपने और कोई ऐसी डेट दी है जो इनमें फॉल करती है तो वो इस हिसाब से लॉजिक से काम करेगा।